कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य और उनके तीन बार के विधायक चाचा पर गंभीर आरोप लगाया है। मुद्दा वैक्सीन से जुड़ा हुआ है। यही वो पोस्टर है जिसके आधार पर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य और उनके चाचा भ्रष्टाचार के पोस्टर बॉय हैं। स्थानीय मीडिया में चल रही एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी सूर्य के चाचा रवि सुब्रमण्यम कोरोना वैक्सीन की हर डोज पर 700 रुपए उगाही कर रहे हैं। एक निजी अस्पताल कर्मचारी की फोन पर हो रही बातचीत के आधार पर ये दावा किया गया है। कांग्रेस का दावा है कि अस्पताल कर्मचारी वायरल ऑडियो में 900 रुपए में मिलने वाली हर डोज पर 700 रुपए रवि सुब्रमण्यम को दिए जाने का जिक्र कर रही है। आरोप सही है ये साबित करने के लिए कांग्रेस ने एक निजी अस्पताल का पोस्टर भी दिखाया जिसमें लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए तो प्रोत्साहित किया ही जा रहा है, साथ ही साथ पोस्टर में ये भी लिखा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को तेजस्वी सूर्य का सपोर्ट है। कांग्रेस का आरोप है कि जिस निजी अस्पताल में 900 रुपए की वैक्सीन मिल रही है उसे बीजेपी सांसद क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि इसलिए राजनीति में है कि इस तरह से लोगों की मजबूरी का फायदा उठाएं, इस तरह से लोगों को मजबूर करें कि निजी अस्पताल में जाकर टीके लगवाइए, 900 रुपए में खरीदे? तुरंत प्रभाव से तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता पार्टी के बेंगलुरु के सांसद एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, हम यह मांग करते हैं। हालांकि कर्नाटक के डिप्टी CM ने तेजस्वी पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है, साथ ही ये भी कहा है कि अगर आरोपों में दम हुआ तो सरकार सख्त एक्शन लेगी। और देखिए, देश में वैक्सीन पर खूब राजनीति हो रही है। वैक्सीन के मामले में दुनिया में भारत की स्थिति क्या है, टच स्क्रीन के जरिए बता रही है मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर। तो देखिए, विश्व भर में, देश भर में कैसा है टीकाकरण और क्या है रफ्तार। देखिए, कोरोना से बचना है ना तो वैक्सीन लगवाना, ये मंत्र हमें अब बिल्कुल समझ लेना चाहिए। इसी को देखते हुए सरकार ने भी वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज कर दी है। प्रतिशत के लिहाज से हम भले ही बहुत पीछे हों लेकिन गिनती के हिसाब से हम हैं दूसरे नंबर पर। आइए देख लेते हैं किस देश में कितने लोगों ने वैक्सीन की एक डोज ली और कितनों ने ली है दोनों डोजेज इस टच स्क्रीन के जरिए। तो विश्व में टीकाकरण की क्या है स्थिति, आपको हम इस मैप के जरिए बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अमेरिका की, तो जो डोजेस दी गई है वो है 29,07,00,000। पहली डोजेस कितने प्रतिशत लोगों को लगी आपको बता दें, 49% को, और दोनों डोजेस लगी हैं 40% लोगों को। अगर अब हम बात यूके की करें तो डोजेस कुल मिलाकर दी गई है अब तक 6,26,00,000। पहली डोज 57% लोगों को और दोनों डोजेस लगी है 35% लोगों को। अगले देश यानी जर्मनी की अगर हम बात करें तो अब तक डोजेस दी गई है 4,83,00,000। पहली डोज लगी है 40% लोगों को और दोनों डोजेज लगी है अब तक 16% लोगों को। अगला देश फ्रांस की अगर हम बात करें तो डोजेज दी गई है 3,42,00,000। पहली डोज लगी है 35% लोगों को और दोनों डोजेज अब तक लगी है 15% लोगों की। इटली की अगर अब हम बात करें तो कुल डोजेज अब तक इटली में दी गई है 3,29,00,000, जिसमें पहली डोजेज लगी है 36% लोगों को और दोनों डोजेज लेने वालों की संख्या प्रतिशत में है 19%। ब्राजील की अगर हम बात करें तो डोजेस दी गई हैं अब तक 6,52,00,000। पहली डोज लगी है 20% लोगों को, दोनों डोजेस लगी है अब तक 10% लोगों को। और सबसे आखिरी में अगर हम बात करें अपने देश यानी भारत की, तो डोजेस कुल मिलाकर अब तक दी गई हैं 20,89,00,000। पहली डोजेस जितने लोगों को लगी है प्रतिशत में आंका जाए तो 12%, और दोनों डोजेस जिन लोगों को लग चुकी है उनका प्रतिशत में आंकड़ा है मात्र 3%। लेकिन लगातार वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज की जा रही है, अलग अलग देशों की बात करें तो वहां भी और भारत में भी। पूरे विश्व में टीकाकरण की क्या स्थिति है ये बता रही थी मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर। ABP News आपको रखे आगे।